नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज में। देश विदेश और हिमाचल से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तारीख है 31 जुलाई 2020, तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने रफेल के नाम पर देश की जनता से किया धोखा। कांगड़ा में निजी अस्पताल सील, होम क्वारंटाइन के उल्लंघन करने पर शख्स पर केस। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार, 35,000 से ज्यादा की गई जान। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 135 पदों के लिए होगा साक्षात्कार। जयराम सरकार में बने 3 नए मंत्री, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 5 अगस्त को होगा अयोध्या में भूमि पूजन, इसी दिन कश्मीर को मिली थी 370 से आज़ादी। पंचायतें नगर परिषद बनाने के लिए मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 3 में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बंद नहीं होंगे। आधी अधूरी अधिसूचना से असमंजस में प्राइवेट बस ऑपरेटर। सीवरेज शुल्क घटाने को मंजूरी, छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ेगी, 66 पद भरे जाएंगे। नकाब पहनकर आए शातिर ने फ्रूट कंपनी कार्यालय से चुराए 5.5 लाख रुपए। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, सड़कें बंद होने से यातायात हो गया ठप। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार, 35,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच गुरुवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख से पार हो गया। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 52,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के आधार पर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 52,123 मामले सामने आए हैं, जबकि 775 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। इस अवधि में 32,553 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। 5 अगस्त को होगा अयोध्या में भूमि पूजन। 5 अगस्त एक बार फिर से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक हफ्ते बाद इसी दिन अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। ठीक एक साल पहले इसी दिन कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 500 साल से ज़्यादा पुराने विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने रफेल के नाम पर देश की जनता से किया है धोखा। कांग्रेस ने कहा कि उनके शासन के दौरान 2012 में फ्रांस के साथ रफेल लड़ाकू विमान की खरीद के करार से देश में रोजगार और विदेशी निवेश आना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस समझौते को रद्द कर देश की जनता के साथ धोखा किया है। पार्टी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो रफेल डील की थी उसके देश में मेड इन इंडिया के तहत 108 रफेल HAL द्वारा बनाए जाते, जिससे देश में अधिक रोजगार और अधिक निवेश आता। कांगड़ा में निजी अस्पताल सील, होम क्वारंटाइन के उल्लंघन करने पर शख्स पर दर्ज केस। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कांगड़ा को एक निजी अस्पताल को सील कर दिया है। होम क्वारंटाइन की उल्लंघना करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उक्त अस्पताल के आसपास के क्षेत्र को भी बफर जोन बना दिया गया है। बताया जाता है कि अब्दुल्लापुर से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति 28 अगस्त को काम व पत्नी को लेकर इस अस्पताल में आया था। बताया जाता है कि यह व्यक्ति सैनिक है और दूसरे राज्य से आने पर उसे होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अस्पताल पहुंच गया। इत्तेफाक से उस दिन उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नकाब पहनकर आए शातिर ने फ्रूट कंपनी कार्यालय से चुराए 5.5 लाख रुपए। बलहा क्षेत्र की डिडौर सब्जी मंडी में चोरी की वारदात सामने आई है। नकाब पहनकर आए शातिरों ने सब्जी मंडी में हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय को लॉकर तोड़कर करीब 5,60,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। बुधवार रात को हुई चोरी से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। कंपनी कार्यालय में लगे CCTV की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 3 में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं होंगे बंद। अनलॉक 3 में राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को IQ सेंटर में रखा जाएगा। पत्रकारों से रूबरू शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा राज्य में स्कूल कॉलेज भी नहीं खोले जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार के आदेश अनुसार मूवी थिएटर खोलने पर भी हिमाचल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि राज्य में अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं। यही वजह है कि अनलॉक 3 में सरकार ने IQ सेंटर को खुला रखने का फैसला किया है। देश के कई राज्यों में IQ सेंटर बंद भी कर दिए गए हैं।
आधी अधूरी अधिसूचना से असमंजस में प्राइवेट बस ऑपरेटर। हिमाचल में राज्य सरकार द्वारा बसों के संचालन को लेकर जारी अधिसूचना में असमंजस की स्थिति है। हिमाचल राज्य निजी बस ऑपरेटर संघ का आरोप है कि अधिसूचना में साफ नहीं है कि बस में कितनी सवारियां बिठाई जाएं। अगर बस में कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं दूसरी तरफ यह साफ नहीं किया गया कि बसों में कितनी सवारियां बिठाई जा सकती है, जिससे ऑपरेटरों में भ्रम का माहौल है। यह मामला कई बार उठाया जा चुका है मगर असमंजस दूर नहीं हो पाया है। पंचायतें नगर परिषद बनाने के लिए दे दी गई है मंजूरी। हिमाचल में कोविड की वजह से जनगणना कार्य के कारण नई पंचायतों व नगर परिषदों के गठन की जो प्रक्रिया रुक गई थी उसे शुरू करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि सरकार इस पर काम करेगी या नहीं यह तय नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़े समय बाद ही प्रदेश व पंचायतों स्थानीय चुनाव हो जाएंगे। इनकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिस पर अब सरकार पर छोड़ दिया गया है उसे क्या करना है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि जनगणना विभाग से मंजूरी मिली है जिसने इन्हें रोक रखा था। अभी सरकार निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों से पंचायतों की संख्या बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 135 पदों के लिए करना होगा आवेदन। कोरोना संकट के बीच घर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का अवसर सामने आया है। गोंदपुर जयचंद्रिक्स ने भर्ती के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 135 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों पर 8 से 10 हजार रुपए तक मानदेय कंपनी की ओर से प्रतिमाह दिया जाएगा। पदों के लिए साक्षात्कार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे यंग मैन सिंथेटिक्स गोंदपुर जयचंद में आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में बीम गेटर, हेल्पर व मेंडर के 25 पद खाली हैं। मेंडर व बीम गेटर के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है और 7500 से 8000 रुपये तक प्रतिमाह मानदेय होगा। सीनियर ऑपरेटर के लिए 8वीं पास के साथ ITI और 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। और अब खबरें मौसम विभाग से। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, सड़क बंद होने से यातायात ठप। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बादल बरस रहे हैं। पूरे प्रदेश में 4 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। गुरुवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 31 जुलाई तक प्रदेश में चेतावनी जारी की गई है। सोलन जिले में बुधवार से हो रही बारिश से कंडा धर्मपुर संपर्क मार्ग धस गया है, जिससे यातायात ठप हो गया। प्रशासन ने जिले के सभी उपमंडलों से नुकसान से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।